ये हमारी मुटिया बन गई है, हमने शेलो फ्राई भी करके बताया है, डीप फ्राई भी किया है, और आप ये देखिए कितनी जूसी है, ये देखिए कितना जबरदस्त इसका टेक्सचर है। और गारंटी है मेरी कि एक भी मुटिया आपकी फूटेगी नहीं, ना हमने अंडा डाला है, ना हमने इसमें आलू डाला है, ना बेसन डाला है, फिर भी इसकी बाइंडिंग जबरदस्त है। बनाकर देखिए, एक भी नहीं फूटेगी, और फिर मुझको बताइए कि आपने बनाया तो आपका रिजल्ट कैसा है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर और रेडी करेंगे एक बेसिक सा मसाला। तो इसमें हम डालेंगे 2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है अदरक का, लंबे लंबे काट लिए हैं जिससे ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो। 6 से 8 मैंने हरी मिर्च ली है, ये आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच जीरा। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने मटन लिया है, इसमें मैंने कुछ चिकने के भी पीस डाले फैट के, इससे ये बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। बकरीद में हमारे पास कीमा तो नहीं आता है, मटन ही आता है, उसको हमें बनाना है। आप इसको मिक्सर में भी कीमा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो फूड प्रोसेसर में, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो मटन, मान लीजिए इसके अंदर 10% फैट है, यानी आधा किलो मटन में 50 ग्राम तक के आप इसमें फैट डाल सकते हैं। ये जो मसाला है ये मैं यहाँ डाल रही हूँ। 1 नींबू का रस डाल दीजिए, लगभग 1 टेबलस्पून हो जाएगा। कुछ लोग इसको इसमें प्याज डालना भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपने प्याज डाला है तो फिर फ्रिज में मत रखिए, डायरेक्ट फ्रीजर में इसको स्टोर कीजिए। मैं बताऊंगी कौन सी स्टेज पे आपको इसको स्टोर करना है। तो आप अगर फ्रिज अगर इसमें प्याज डाल देते हैं तो फ्रीजर में स्टोर कीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती है। तो आपको मैं इसमें प्याज नहीं डाल रही हूँ। हम ऑन द स्पॉट खाना है तब भी आप प्याज डाल सकते हो कि अभी मैंने बनाया, अभी हमने खा लिया। यहाँ पे आपको फ्रीजर में रखना है तो आप डाल सकते हो, फ्रिज में रखना है तो प्याज मत डालिए, थोड़ी सी स्मेल आने लगती है प्याज की। नमक जायके के हिसाब से आप डाल दीजिए इसमें, और मैं इसे अब रेडी करती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखें कितना जबरदस्त अच्छे से ये रेडी हुआ है कीमा, इसे हम निकालेंगे। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मतलब मेरी नानी अम्मा ये रेसिपी यूज करते थे, और यही मेरी मम्मी, मेरी खाला, मेरी मामी सब लोग यूज करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें कोथमीर, मैं यही इसको मिक्स कर लूंगी, किसी बर्तन में निकालने की जरूरत नहीं है। नमक, नींबू, इसमें बाइंडिंग के लिए आपको कुछ नहीं डालना है, ये खुद ब खुद ऐसे ही बाइंडिंग आ जाती है इसमें। पहले क्या होता था कि फ्रिज नहीं होता था तो इस तरह से आपने बना लिया, रख दिया पूरे दिन में, जब भी आपके यहाँ मेहमान आए पतीले से 4 निकाला और इसे फौरन से आपने फ्राई कर दिया तो हो गया। कच्चा कीमा रखा तो खराब होने का डर होता था, लेकिन इस तरह से स्टोर करने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। हर एक के पास फ्रिज तो होता नहीं था पहले, तो अभी फ्रिज होने के बावजूद आप इसे फ्रिज के बाहर पूरा दिन रख सकते हैं, क्योंकि आपने इसे बॉईल कर लिया है ना। तो ये देखिए अब कैसे आप इसे बनाओगे। यहाँ पे आपको एक पतीली लेना है, जरूरी नहीं है कि आप नॉनस्टिक लो, आप कोई भी ले सकते हो, या मैं आपको लेकर ही बताती हूँ, एक मिनट। चलिए मैंने इस तरह से जर्मन की पतीली ली है, जिनके पास, मेरी सिस्टर्स के पास जो भी है उसमें आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया, और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपको इसे बाद में फ्राई करना जरूरी नहीं है, आप इसी तरह इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये साइज आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको कितने बड़े या कितने छोटे बनाना चाहते हो। इस तरह से मैंने लिया, इसी तरह ये बनता है, इसीलिए इसे मुठिया कहा जाता है। अब ये मैंने रख दिया बीच में, ठीक है। अब बस इसी तरह आपको बनाना है, एक के बाद इसे एक अरेंज करते जाना है यूं। आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, रास्ते में हो, बहुत ही अमेजिंग डिश है, बहुत ही अच्छी लगती है। आपने बनाया और बस दे दिया बच्चों को पाँव में भी रखकर, तो ये बहुत अच्छा लगता है। रोटी से खाओ चाहे पाँव से खाओ। तो इस तरह बस आपको फटाफट से मुठिया बनानी है, ये देखिए। तो चलिए ये एक लाइन मैं फटाफट से रेडी करती हूँ। बहुत जोर से दबाना है, बहुत धीमे से दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको दबाना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये नहीं फूटेगा, गारंटी मेरी है, बहुत पुरानी रेसिपी है, और 100% श्योर हूँ कि आप भी बनाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
ये इतना भर गया। अब सवाल, क्या इसके ऊपर हम रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, एकदम बेफिक्री से रख सकते हैं। तो चलिए ये लेयर हम इसके ऊपर रख लेते हैं, ये देखें। तो देखिए ये हो गई है रेडी। अब इसे चढ़ाते हैं हम गैस पर। बस इसे रख दीजिए गैस पर, ढक देते हैं हम। स्लो पे रखिए, मीडियम टू लो हीट पे रखिए। बस 5 मिनट में इसमें काफी सारा पानी छूटेगा, मैं आपको वो बताऊंगी। ये देखिए 2 मिनट ही हुआ है, इस तरह से ये पकने लगा है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसे हम मीडियम पे ही पकने देंगे। ये देखिए कितना सारा पानी छूट गया है विद इन 10 to 15 minutes। ओके, एकदम स्लो पे रखा था मैंने। अब यहाँ पे हम मीडियम टू लो हीट पर ही इस पानी को सूखने देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मटन है और बहुत टाइम लगेगा पकने में, नहीं, आपको इसको कीमे के हिसाब से पकाना है और कीमा बहुत जल्दी पक जाता है। तो मीडियम टू लो हीट पे हम इसे रखेंगे, पानी जलने देंगे, बाद में हम इसे मीडियम टू हाई हीट पे भी कर सकते हैं। ये देखिए पानी बहुत सारा था, अब पानी बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है। अब आपको क्या करना है, गैस को बिल्कुल लो पर रख देना है, बिल्कुल लो पर, ताकि इसका पानी सूखे। और आपको इस पे नज़र भी रखनी है, ऐसा नहीं करना है इसे छोड़ दिया आपने तो फिर नीचे से जलने लगेगा। तो बिल्कुल लो पे इसको हम 2 मिनट पकाएंगे तो बस इसका पानी पूरा जल जाएगा। अब गैस को ऑफ कर दिया है और ये देखिए ये जो ऊपर के हैं ये इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई चिपकेगा नहीं, कुछ होगा नहीं। अब आप इसको शेलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी, मैं दोनों ही आपको बताती हूँ। बहुत ही रेडी होते हैं, अमेजिंग। ना आपने इसमें बेसन डाला है, ना आलू डाला है, ना ही आपने इसमें अंडा डाला है, कोई बाइंडिंग के लिए आपने डाला नहीं है, फिर भी ये देखिए इतने ज़बरदस्त से ये रेडी हुए हैं। सारा पानी सूख गया है देखिए इस तरह से। अगर आपको इसको फ्राई नहीं भी करना है तो आप इसी तरह से खाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, या फिर आप फ्राई करके खाइए। तो मैं फ्राई करके भी आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए आप पैन में कर सकते हो या फिर आप कढ़ाई में शैलो फ्राई कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं यहाँ इसमें इसलिए कर रही हूँ ताकि इसी में फिर आपको मैं डीप फ्राई भी करके बता दूँ। ये देखिए बस यहाँ से हम इसे यूँ निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे एकदम बेफिक्री से। आप किसी छोटे बच्चे को भी दे दोगे जो गैस पे काम करना जानता है, वो भी इसे आराम से हैंडल कर सकता है। ये देखिए बस आपको इस तरह से इसे फ्राई करना है, कर सकते हैं जिनको डीप फ्राई पसंद है। ये देखिए ज़बरदस्त, इसी तरह चलाते हुए अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर में इसे ले आइए। बस 1 टेबल स्पून तेल आपने डाला और ये आपके कबाब रेडी हो जाएंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम मॉइस्ट। ना ये चिपकेंगे ना ये फूटेंगे, गारंटी में है मेरी। आप रेसिपी ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं डीप फ्राई भी आपको बता देती हूँ। लेकिन ये देखिए हम कड़छी से कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, बट गारंटी है कि ये कहीं से भी फूटेगा नहीं। मैं नॉर्मली शेलो फ्राई ही करती हूँ, मुझको पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको डीप फ्राई भी करके बता देती हूँ। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और ये हमारे शेलो फ्राई वाले मुठिया रेडी हैं। मुठिया को डीप फ्राई करने के लिए इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल बढ़ा देती हूँ और अच्छे से इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म करने के बाद जितने मुठिया चाहिए आप डाल दीजिए इसमें। देखिए वैसे तो इस तरह से ये कुक हो जाते हैं जब आप इसको भाप देते हो, तभी ही आप ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन फ्राई करके खाना है थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है, कलर आ जाता है, तो वैसे आप खा सकते हो। तो यहाँ ऐड कर दिया है, इसे भी इसी तरह बस अलट पलट करते हुए आप फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर ये होता है कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है और ज़्यादा अंदर तक मुठिया इसमें डिप होते हैं, तो इसलिए ये जल्दी से हो जाते हैं। मुठिया हमारे रेडी हो गए हैं, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्प, अंदर से एकदम